2025 तक 10 करोड़ लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे। इस साल 5 अक्टूबर अशोक विजय दशमी को डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर 10,000 लोग दीक्षा लेंगे। अगले साल अशोक विजय दशमी पर 2023 में 1,00,000 लोग दीक्षा लेंगे और अगले साल 2024 में अशोक विजय दशमी पर 10,00,000 लोग दीक्षा लेंगे और 2025 में अशोक विजय दशमी पर 10 करोड़ लोग दीक्षा लेंगे। उसके बाद ये जाति का जहर वहीं सीमित हो जाएगा जिन लोगों ने जाति पैदा की है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से इंद्र मेघवाल के साथ जो जघन्य अपराध किया टीचर ने, उसी के चलते यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है हमारे साथ जो मंत्री जी हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, कभी सर जिस तरीके से ये जघन्य अपराध हो रहा है, तो ये कब तक होता रहेगा? जब तक जातियाँ बनी रहेंगी और जब तक हम जातियों में बने रहेंगे तब तक होता रहेगा। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। बुद्ध के धम्म से भारत गौरवान्वित हुआ पूरे दुनिया के अंदर। बुद्ध का धम्म ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, जिसके में सबके लिए सम्मान की भावना है, जिसमें प्रज्ञा है, सील है, समाधि है। मतलब ये समझ लीजिए, जाति में जब तक बने रहोगे तब तक जातिगत उत्पीड़न झेलते रहोगे। इसलिए अब जातियों को छोड़ दो और समाज को जोड़ दो, यही तरीका। जातियाँ कब छूटेंगी सर? बहुत जल्दी। हमारे पिछड़े आदिवासी बौद्ध बनने वाले हैं। 2025 तक 10 करोड़ लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे। इस साल 5 अक्टूबर अशोक विजय दशमी को डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर 10,000 लोग दीक्षा लेंगे। अगले साल अशोक विजय दशमी पर 2023 में 1,00,000 लोग दीक्षा लेंगे और अगले साल 2024 में अशोक विजय दशमी पर 10,00,000 लोग दीक्षा लेंगे और 2025 में अशोक विजय दशमी पर 10 करोड़ लोग दीक्षा लेंगे। उसके बाद ये जाति का जहर वहीं सीमित हो जाएगा जिन लोगों ने जाति पैदा की है। तो सर ये लगातार जो है राजस्थान से इसी तरीके की घटना बार बार आ रही है, राजस्थान से इसी तरीके की घटनाएं बार बार हो रही है, बार बार राजस्थान के अंदर ये घटना, मध्य प्रदेश के अंदर ये घटना, गुजरात के अंदर ये घटना, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश में, इन सारे राज्यों में, उत्तर पट्टी के जो राज्य हैं, इसी में जाते ज्यादा जातिगत उत्पीड़न है, इसी में घटना ज्यादा घट रही है। NCERB का डाटा बताता है 4 राज्यों में दलितों पे होने वाले उत्पीड़न का 80% उत्पीड़न होता है, उसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे लोग खुद ही जाति में बने हुए हैं, जातियों में अपने अपनी जाति को ऊंचा बता रहे हैं। जब तक हमारे लोग अपनी जाति को ऊंचा आपस में ही जातिवाद करेंगे तब तक उत्पीड़न झेलते रहेंगे, इसी तरह लूटते पीटते रहेंगे। हमें जाति छोड़नी होगी, हमें अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापसी करनी होगी, यही तरीका। बहुजन समाज अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी बताता है कि हिंदू राष्ट्रवादी, सब आने वाले हैं, सब छोड़ के हम आ रहे, सबको समझ में आ रहा है वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ केवल उत्पीड़न है। मंत्री जी, आज जो प्रोटेस्ट आपने यहाँ पे किया है, जो मांगे आपने अपने मंच के माध्यम से उठाई हैं, आपको लगता है केंद्र की सरकार या गहलोत सरकार आपकी मांगों को मानेगी? पता है, मैं नहीं मानेगी। हमें समाज को इतना तैयार करना है कि इन सरकारों को खाड़ के फेंक दें, अपनी ताकत को समझो। डॉक्टर बाबा साहब, कौन सा रास्ता है? एक ही रास्ता है, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, जाति और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्धिज्म में वापसी आओ। जाति छोड़ने से क्या शोषण रुक जाएगा? हाँ बिल्कुल, 100% रुक जाएगा। अच्छा, एक में टुकड़ों में बटे रहोगे तो एक एक पीटते रहोगे, और जब आप जुड़ोगे ताकत बनेगी। कभी भी जो समाज एकजुट होता है उसके ऊपर हमले नहीं होते, जिसको हमले ऐसे उन लोगों पे होते हैं जो टुकड़े में बटे लोग। जिसको बहुजन समाज कह रहे हैं उसका 50% हिस्सा ऐसा है जो दलितों का शोषण कर रहा है। बिल्कुल सही है, उनको भी दिमाग ठीक होने वाला है, सबको समझ में आ रहा है, यही तो काम करना है हमें। उनको ये समझाना है, तुम लोग का खून एक है, दलित पिछड़ा आदिवासी तुम्हारा खून एक है, तुम्हारा पूर्वज एक थे, फिर क्यों बटे हुए हो? और तुम ही लोग अगर जातियों में बटे रहोगे और एक दूसरे को ऊंचा नीचा करोगे, एक दूसरे का उत्पीड़न करोगे, तो फिर तुम सारे उत्पीड़न झेलोगे, कोई बचाने वाला दुनिया के अंदर तुम्हारा है नहीं। आप कह रहे हो जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जो लोग जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे अपने आप को सवर्ण और ऊंचा माने, जिनका फायदा हो रहा, वो क्यों जाति छोड़ेंगे, वो क्यों धर्म छोड़ेंगे, वो क्यों वर्ण, इसलिए छोड़ेंगे? वो भी पिट रहे हैं, उत्पीड़न उनका भी, रजूते उनके भी पड़ रहे हैं, सब छोड़ेंगे, चिंता मत करो, आप देखो थोड़े दिन इंतजार करो। ये तो आप थे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। सर मगर आप ही की यहाँ पर दिल्ली में, जब कस्तूरबा नगर जैसी जगह पर जो SC ST OBC रहते हैं, अब किसी और को भी देख लो, और कोई मौका दे दो, किसी का मुद्दा तो आके मिले, लड़ेंगे। तो अभी जो है राजेंद्र पाल गौतम जी थे जिनसे हमने बात की, किस तरीके से इंद्र मेघवाल के साथ जिस तरीके के जघन्य अपराध हुआ और उसकी जो है हत्या कर दी जाती है टीचर
मैनेजर द्वारा, लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया कि कस्तूरबा नगर जैसा भी एक इलाका है जहाँ पर इसी समाज के लोग रहते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चले जाते हैं, मगर मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ गए। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जनता।